अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का मेरा व्लॉग लेक लुइस स्की रिज़ॉर्ट और समर गंडोला के बारे में है, जो कि कनाडा के सबसे पुराने बैम्फ नेशनल पार्क में वाक़िया है और लेक लुइस से बाय रोड तकरीबन 10 मिनट के फासले पर है। तो इस वक्त हम लेक लुइस से रवाना हो चुके हैं और तकरीबन 5 मिनट के अंदर हम लोग गंडोला के बेस कैंप पे पहुंचने वाले हैं। तो हमारे साथ रहें और इस ट्रिप को एंजॉय करें। इस वक्त हम जिस बिल्डिंग में हैं, इसका नाम है द लॉज ऑफ 10 पीक्स। तो यहाँ से हम लोग गंडोला के लिए टिकट्स ख़रीदेंगे और इसके अलावा यहाँ पे विज़िटर्स के लिए हर किस्म के खाने पीने की चीज़ें और सोविनियर्स वगैरह भी अवेलेबल होती हैं। ये है लेक लुइस का स्की रिज़ॉर्ट और गंडोला का बेस कैंप है। तो अभी हम जाके अंदर देखते हैं क्या सिचुएशन है। व्यूअर्स, इस वक्त हम गंडोला राइड के बेस पर मौजूद हैं और राइड पर बैठने से पहले टिकट्स को स्कैन किया जाता है, जो कि इनके ऑफिशियल रिकॉर्ड में आ जाता है और इनको बाद में पता चलता है कि कितने लोगों ने आगे राइड लिया हुआ है, ताकि किसी इमरजेंसी कंडीशंस में फिर उनको लोकेट करना उनके लिए इजी हो जाता है। व्यूअर्स, आपको ये बताता चलूं कि यहाँ एक टिकट राउंड ट्रिप के लिए होता है, यानी वापसी पे आपको किसी टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा मैं व्यूवर्स को ये बताऊं कि आपके पास दो चॉइसेस होती हैं, यानी या तो आप ओपन चेयर में बैठ सकते हैं और अगर आप चाहें तो फुली इनक्लोज्ड जो गंडोला है उसमें भी आप बैठ सकते हैं। तो मेरी तरफ़ से व्यूवर्स को ये मशवरा है कि अगर बारिश के चांसेस हो या फिर आपको ऊंचाई से डर लगता हो तो उस केस में फुली इनक्लोज्ड गंडोला बेहतर रहता है, वरना मेरे ख्याल में जो ओपन चेयर में सैर करने का मज़ा है उसका कोई जवाब ही नहीं है।
व्यूवर्स, यहाँ पीक पर पहुँचने के बाद आप आखिरी राइड तक जितना भी टाइम आप चाहें यहाँ पे रुक सकते हैं और सैर वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी बनाया गया है जिससे आप रॉकी माउंटेन्स और ख़ासकर लेक लुइस का एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा कर सकते हैं। लेक लुइस में काफी हाइट पर है। यहाँ के व्यू पॉइंट पे इन्होंने यहाँ के जितने भी पहाड़ हैं उनकी हाइट्स को इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है, उनकी क्या क्या हाइट्स हैं। इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव। व्यूवर्स, अगर आप नेचुरल ब्यूटी को देखने के शौकीन हैं तो मेरे चैनल पे लेक लुइस और अथाबास्का फॉल्स के वीडियोस ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। व्यूवर्स, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।